अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज उर्दू जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। आठवीं जमात में नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है नज़म नंबर छेद। हमारी नज़म का नंबर छेद दिलों में रोशनी करो, जिसके शायर यूनुस खनोजी। तो आइए, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम नज़म नंबर छेद दिलों में रोशनी करो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके शायर यूनुस खनोजी। तो सबसे पहले हम पहली बात पढ़ेंगे। पहली बात, बचपन में हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी है। इससे हमें ये सबक मिलता है, हमें चलना चाहिए, कदम बढ़ाए तो मुश्किलों का सामना होता है। अगर हम हिम्मत हारे आगे बढ़ते रहे तो सुस्तरोही कमजोरी के बावजूद मंजिल तक पहुँच सकते हैं। मंजिल पाने का जज्बा कामयाब की जमानत बन जाता है। दिल की नज़र में मुसीबतों और रिकावट के बावजूद हिम्मत ना हारने आगे बढ़ने की तरकीब दी गई है। तो यहाँ पे बच्चों, जो आठवीं जमात में हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं, हमारी जो नज़म है बहुत ही अच्छी है। दिलों में रोशनी करो, मतलब शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस नज़म को बयान किया है कि जैसे बचपन में आपने पहली जमात में दूसरी जमात में आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। जैसे खरगोश जो है बहुत ही फास्ट दौड़ता है, कछुआ बहुत स्लो दौड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब दोनों में जब दौड़ का मुकाबला होता है तो कछुआ भले ही धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपने बहादुरी से, अपनी हिम्मत से वो अपने जो दौड़ का मुकाबला होता है जीत लेता है। और खरगोश जो अपनी बड़ाई करता है वो हार जाता है। तो इस सबक में शायद ने ये बताया है कि हमारे ज़िंदगी में कितने भी मुश्किल आता है, कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी रिकावट आए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें अपने 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 अपनी कोशिश को ख़त्म नहीं करनी, हमें अपनी कोशिश जारी करनी है। तो आइए, सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे जान पहचान। यूनुस खनोजी का पूरा नाम यूनुस बेग था। जैसे हमारे जो शायर यूनुस खनोजी, उनका पूरा नाम मोहम्मद यूनुस बेग था। वो 1926 में उत्तर प्रदेश के शहर कन्नौज में पैदा हुए। जैसे वो 1926 में उत्तर प्रदेश के शहर कन्नौज में पैदा हुए। उनकी नज़में मशहूर हिफ्त रोज़ मनदाए मिल्लत में शाया होती रही है। उन्होंने अपनी नज़में में कौमी मिसाल को पेश नज़र रख कर उनके हल तलाश करने की तरकीब दी है। जैसे उन्होंने अपनी नज़मों में बहादुरी बताई, हिम्मत बताई, हौसला अफजाई की है। उनके अफकार ख्यालत में मुनज़्ज़म फ़िक्र साले अख्तियार की फरवानी होती है। शोला अंकार और ज़ख्म एहसास उनके मशवरे मजमू है। जैसे शोला अंकार, शोला अफकार, ज़ख्म एहसास उनके मशवरे मजमू, चहरी मजमू। 1938 में यूनुस खनोजी का इंतकाल हो गया। जैसे 1983 में यूनुस खनोजी का इंतकाल। ज़ेल की नज़म में उनके मजमू का नाम शोला अफकार से ली गई है, जिसे उन्होंने अपनी नज़म में हिम्मत और हौसला अफजाई बताई है। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। बहुत फरेब खा चुके हैं, बड़े उठा चुके हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में हम कोई भी शोबे में हो, जैसे आप बच्चों 10वीं जमात में आगे की जमात में जाएंगे, लेकिन आपने ज़रूर सपना देखा, ख्वाब देखा होगा कि हमें आगे बन के एक अच्छा कामयाब इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, उस्ताद बनना है, या कारोबार करना है। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जाना चाहते हो, लेकिन आपने सपने तो देखे होंगे, लेकिन कभी कभी हम अपने जो हम ख्वाब देखते, कभी कभी हम अपने काम में नाकामयाब भी हो जाते, तो हमारा दिल देखो टूट जाता। जैसे हम किसी इम्तिहान में नाकामयाब हो गए, हमारे अच्छे मार्क्स आए, कभी हमारा मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, कभी हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, और कहीं कहीं कभी कभी हमारा जो कारोबार है वो ठप हो गया, वो कामयाब नहीं रहा, हम नाकामयाब हो गए। तो उसके बावजूद भी हमें उदास नहीं होना है, हमें डट के मुकाबला करना होगा। हजूमे गम में खो चुके लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत उदास हो जाते हैं, गमगीन हो जाते, परेशान हो जाते, कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन हमें हारना नहीं, हमें उसका मुश्किलात का डट के मुकाबला करना होगा। रज़ा पे सर झुका चके, नसीब आजमा चुके। जैसे हम कभी कभी हिम्मत हार देते कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कामयाबी हमें नसीब नहीं हो रही है। फिर अल्लाह ताला देखो बंदे को आजमाता भी है, कभी किसी को माल दे के आजमाता, किसी को ना दे के आजमाता, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सकू में आग लग चुकी, मता जा सलग चुकी, मतलब सकूँ में आग लग चुकी, मता जा सलग चुकी। जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। नज़र उदास हो चुकी, शिकार जास हो चुकी, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उदास हो गए, हम लगता है हम कभी हमें कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। जैसे हमें हमारा कोई कारोबार का कोई नुकसान हो जाता है, या हम किसी इम्तिहान में नाकामयाब हो जाते हैं, या हम कभी फेल हो गए, तो हमें ऐसी उदासी नहीं करनी, हमें डट के मुकम्मत अफजाफ़ाई से काम करना होगा।
वफा की हद भी हो चुकी, जफा की हद भी हो चुकी, बस अब जफा व जोर की कलाइयों को थाम लो, कदम बढ़ाओ दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो गया कि आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ में अगर नाकामयाबी आपको महसूस हो रही है, आप अपने दिल को छूटन मत कीजिए, आप हिम्मत करके आगे आपको आपको बढ़ना होगा। वजह के हर दौर में तुम्हारी बहर शहर में, जैसे आज का जो दह शहर है बहुत ही मतलब लोग यहाँ पे अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। लोग ऐसे भी हैं जो दौलत के खातिर अपने ज़मीर को भी बेच दे रहे हैं, लेकिन हमें उसके उसके लिए आवाज़ उठानी होगी मिलजुल के, कि हमें अब हम जुल्म नहीं सह सकते, हमें अभी हिम्मत हौसला अफजाई से काम करना होगा। फ़ज़ा में इंतशार है गुब्बारी गुब्बारी गुब्बारे, जैसे जो दुश्मनी की हुकूमत हमारे ऊपर जारी हो गई कि बस उन्हीं की राह चल रही है, भटक रही है ज़िंदगी, पनप रही है तेरगी, जैसे हम ऐसा लगता है कि हम भटक गए हैं, हमें सही गलत की बिल्कुल समझ नहीं, हम किसी के आगे बिक चुके हैं, हम लोगों के गुलाम बन गए हैं। मगर मुझे बताओ ना, ज़रा नज़र मिलाओ तो, लेकिन हमें अब जुल्म नहीं करना, हमें हम आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हमें पूरा हक है, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। दिलों में हिरास क्यों, नज़र शिकारी और यास क्यों, क्यों हम अपना दिल छोटा करके बैठे, हम क्यों किसी के शिकार बने, हम क्यों किसी की गुलामी करें, हमें आज़ादी की ज़िंदगी, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, उसे आज़ादी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। थके थके हो किस लिए, बुझे बुझे हो किस लिए, क्यों हम थके, हम अपनी आवाज़ हम खुद उठा सकते हैं। यकीन करो कि तुम जाने जिसके इमाम, कदम बढ़ाओ दोस्तों, यकीन कीजिए, अगर हमने मिलजुल कर अगर थाम लिया कि हम ये जद्दोजहद कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, तो हमें अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। बिके हुए ज़मीर से, दबे हुए खमीर से, मतलब जो लोग कुछ पैसों के खातिर, दौलत के खातिर लोगों से बिक चुके हैं, लोगों की बात मान रहे हैं, उन गलत लोगों का साथ दे रहे हैं और अच्छे लोगों का साथ नहीं दे रहे। शऊर आजू से आरजू ना मिलो, मजाक जस्तजू ना मिलो, शऊर आजू ना मिलो, मजाक जस्तजू ना मिलो, मतलब शऊर आजू ना मिलो और मजाक जस्तजू ना मिलो, शऊर आजू ना मिलो, मजाक के जस्तजू ना मिलो, ना ही आप किसी का शऊर आजमाओ, ना आरजू ना मिलो, मतलब इस बातों को मजाक में ना लो। अगर आप वाकई अगर किसी के गुलाम बने, किसी की जुल्म से हरो, तो आपको अपने जुल्म से अपने आप को आज़ादी दिलानी होगी। तुम्हारी ठोकरों में ये तख्ते जमे ताज के, मतलब तुम्हारी ठोकरों में अगर आपने उसको अगर ठुकरा दिया तो आप आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नज़र में मछलियाँ भरो, दिलों में रोशनी करो, और आपको मिलजुल कर अपनी हिम्मत से काम करना होगा कि अब हम जुल्म नहीं सह सकते। ये नज़में माँ एक मगाई खैर शहर है, जाने कब से मुंतजिर, और आखिर हम कब तक जुल्म सहते रहेंगे। लेकिन अभी ये हम जुल्म नहीं कर, अब और हम जुल्म सहने की ताकत नहीं है, अब हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कहीं से कोई लो उठे, कहीं तो कोई गली को, नहीं तो कोई गुल खिले, हमें ऐसा लगता कि हमारी कोई उम्मीद की किरण है, हमारी कोई जो गुल है, हमारे जो बगीचे में जो बाग जो खिले हैं वो आज़ादी से खिले। हुस गजीदा शाम से शहर का इंतकाम, मुकदम बढ़ाओ दोस्तों। मतलब शायर क्या कहना चाहता है कि हमें और लोगों की गुलामी नहीं करनी, और जुल्मी जना में आज़ादी से ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा जवान बच्चा कोई भी हो, हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। देखते खुलासे कलाम में, देखते शायर क्या कहना चाहता है। खुलासा, हम मुश्किलों से गुजर चुके, हमने बहुत धोखे खाए, बहुत दुख सहे, गमों से समझौता किया, नाबूदी का शिकार, मगर हम जुल्म सतम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हमने ज़िंदगी में बहुत सारे मसलों मसाले का सामना किया, बहुत धोखा खाए, बहुत दुख सहे, बहुत गम झीला, बहुत ही नामिद का शिकार हुई, लेकिन अब हमारे अंदर जुल्म बर्दाश्त सहने की ताकत नहीं है। शायर कहता कि आगे बढ़ो, जुल्म करने वालों को हाथों को रोक दो, मतलब जो जुल्म कर रहे हैं उनके हाथों को रोक दो, अब हमारे अंदर और जुल्म सहने की ताकत नहीं है। ये सच है कि आज दुनिया में शहर बदनस्बी फैली हुई है, मुस्लिम का गुब्बारा फैला हुआ है। जैसे कि आज शहर में जो है लोग, मतलब कुछ पैसे के खातिर, दौलत के खातिर बिक चुके हैं, गलत कामों का साथ दे रहे, गलत लोगों का साथ दे रहे, और हर तरफ बुराई फैली हुई है, बहुत थक गए, दिल उदास है। मगर हमें ये बात याद रखनी कि चाहे हम इंदारात को बदल सकते, लेकिन हमें एक बात को रखनी कि हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर कदम चलना है, कि हमें ऐसे गलत लोगों का साथ नहीं देना है, बस कदम बढ़ाने की देर है। कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, मतलब हमें सच्चाई की तरफ कदम उठा बढ़ाना होगा। मतलब कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे जो कुछ पैसों के खातिर अपने ज़मीर को बेच दिया है, जिनसे हाथ मिला लिया, मगर हमें इनसे मुतासिर नहीं होना। जैसे उन्होंने कुछ पैसों की खातिर उन्होंने गलत लोगों का से हाथ मिला लिया, लेकिन हमें इनसे मुतासिर नहीं होना। अगर हम उठ खड़े हो तो तक तो ताज को ढोकरी से उठा सकते, अगर हमने हिम्मत ठान ली तो हम उन्हें गिरा सकते।
दुनिया बुराई और दुनिया अच्छाई बुराई की जंग का मैदान है। दुनिया अच्छाई बुराई का जंग मैदान है कि यहाँ पे अच्छाई या भी बुराई भी है। वक्त ये चाहता है कि कोई जुल्म जबर के खिलाफ उठ खड़ा हो, हिम्मत से कदम आगे बढ़ाओ। वक्त तो चाहता है कि हमारे हमारे इलाके में कोई तो ऐसा मर्द हो जो हमारे जुल्म को दूर कर दे, जुल्म के खिलाफ खड़ा हो और हिम्मत से हम लोगों को आगे बढ़ाए। जीत हमारी होगी इसलिए कदम बढ़ाओ, दुनिया के निज़ाम को बदल डालो। जैसे अगर हमने वाकई मिलजुल के हमने हिम्मत ठान ली कि हमें अब हमें बुराइयों को रोकना होगा, हमें जुल्म जितन सहने की हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, अगर हमने इन लोगों को हराना है तो हमें हिम्मत से आगे अपनी कदम को बढ़ाना होगा। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, हमें अपने कदम को बढ़ाना होगा, हम इस दुनिया के निज़ाम को हमें बदलना होगा। तो शायर ने हमारी हौसला अफजाई की है। आइए इस नज़म के ज़रा मायने देखेंगे। नसीब आजमाना किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, मता पूंजी इंतशार बिखराव तेरगी अंधेरा हिरास खौफ मुझे होना ना उम्मीद होना, जाने जिस दुनिया जहाँ जिंदा रह जाता है। इमाम कायदा कायद लीडर जब ईरान के बादशाह जमशेद के नाम का मुखब के क्या बादशाह की कैफियत के नाम का मुखब रजमगा जुर्म का मैदान लौ उठना चिराग जलना नई बात की इब्तिदा होना, गुल खिलना रोशनी होना चिराग जलना गुल खिलना उस गदीदा होना बुराई की तारीखों को फैलने से रोकने का इशारा है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको मेरी नज़म पसंद आई होगी।